हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर साक्षी सिंह। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं आईफोन 12 की, जो मैंने अभी परचेज किया है। जैसे कि आपको पता है, बिग डे सेल चल रही है, उसमें मैंने परचेज किया है। मैं इसके पीछे की पूरी कहानी बताने वाली हूँ, उसके फीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि मैंने क्यों परचेज किया। मेरा कोई था नहीं इरादा कि मैं आईफोन लूँ, लेकिन मैंने आईफोन 12 परचेज कर लिया है फाइनली। और मैं इसके पूरे फीचर्स के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, कौन सा आईफोन लिया है मैंने, कौन सा नहीं, पूरी वीडियो को देखिएगा। और इससे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, और जिसको भी इसकी आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग देखनी हो वो देख सकता है मेरे चैनल पर, मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए देखते हैं आईफोन के बारे में जानते हैं, और क्या रीज़न है इसके पीछे वो भी बताते हैं। गाइज, ये आईफोन मैंने अभी मंगाया है बिग बिलियन डे से, जो ऑफर चल रहा था, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन रहा था। मैंने अभी सिर्फ 15 डेज बिफोर मैंने एक फोन ऑर्डर किया था, सॉरी ऑर्डर नहीं किया था, वन प्लस स्टोर से मैंने मंगाया लिया था जाकर खुद से, वो था वन प्लस 9R। गाइज, मैंने 9R लिया है, और इसकी अनबॉक्सिंग में आपके सामने होंगी, अभी देख सकते हैं आप। नाइन आर लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने वहाँ से जाके लिया, और 15 दिन में सिर्फ 10 डेज यूज कर पाई होंगी उसको, और वो पानी में सिर्फ 30 सेकेंड के लिए गया। फिर मुझे लगा वो आई थिंक 44,000 उसकी वैल्यू थी, 12 256 GB वाला मेरा फोन था, तो मुझे लगा कि थोड़ा पानी में चला गया वो, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो ठीक से चलेगा। तो 44,000 हम वन प्लस को पे कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमको सिक्योरिटी भी होगी इस चीज़ की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फोन बिल्कुल डेड हो चुका है। तो बिल्कुल मुझे मतलब केयर पर भी मना कर दिया कि मदरबोर्ड पढ़वाइए, मदरबोर्ड का वैल्यू समथिंग 35,000 है, और मेरा फोन का वैल्यू 44,000 था। अगर मैं मदरबोर्ड पढ़वाती तो वही बात था, मैं इनको न्यू लेना था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं फोन नहीं चलाना है। और मेरे को वो भी मेरे फादर ने और मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया था, जो मैं 15 डेज भी ठीक से नहीं चला पाई। तो फिर मैंने मतलब यही सोच लिया था कि मुझे कोई चीज़ मंगाया, फिर एक फ्लिपकार्ट पे ऑफर आया जिसमें था, बिग डील चल रही थी उस टाइम पे, तो मैंने ये एक आईफोन ऑर्डर किया और एक ओप्पो की ईयरबड्स, दोनों ही फ्लिपकार्ट से मुझे ऑफ में पड़ी है। और इसकी जो वैल्यू है रियल वो है 71,000, ऑलरेडी मुझे ऑफ करके ये सिर्फ मुझे पड़ा है 53,500। वैसे तो 56,000 दिखा रहा है, लेकिन मुझे आई सी आई कार्ड से ऑफ करके वो मुझे कम का पड़ा है, इस वजह से मैंने ये फोन ले लिया। और ये भी मुझे गिफ्ट बाय मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी कि मेरे से इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद, इतना नुकसान होने के बावजूद उन्होंने मुझे आईफोन दिलाया। और ये ईयरबड्स ये है, इसका वैल्यू जो रियल है वो 18,000 है, बट नाउ उसको ऑफर में सिर्फ 800 का पड़ा है। ये ओप्पो की ईयरबड्स आप देख सकते हैं, देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। बट मैं ओप्पो को सॉरी वन प्लस को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना थोड़ा प्रोडक्ट में कुछ तो सुधार रखी है, मैंने 15 डेज भी नहीं चला पाई और वो फोन बिल्कुल डेड हो चुका है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है अब फोन चलाना है तो सिर्फ आईफोन ही चलाना है। आईफोन में एटलीस्ट ये तो है कि अगर वो पानी में जाता है तो कम से कम चलता है, सिक्योर है, बट वहां पे कुछ नहीं था। 44,000 देने के बाद भी मुझे क्या श्योरिटी मिली, कुछ भी नहीं, मेरा 44,000 बिल्कुल चला गया, मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई। तो मेरे पेरेंट्स हैं इतने सपोर्टिव, उनके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। इतने अच्छे भगवान ने मुझे पेरेंट्स दिए कि जिन्होंने मुझे दोबारा से फोन दिलाया, अभी मेरे को 15 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है और उन्होंने मुझे आईफोन दिला दिया है, देख सकते हैं अपना आईफोन। ये 12 128 GB है जो मैंने ऑर्डर किया है, इसके साथ मिला है हमको डेटा केबल, और साथ में है के बारे में इसके रूल्स रेगुलेशन, हाउ टू यूज, और साथ में एक पिन भी है सिम वगैरह के लिए, और
बट इसमें चार्जर नहीं है, बिकॉज आईफोन का कहना है कि चार्जर से जो है पॉल्यूशन फैलता है, इसलिए चार्जर प्रोवाइड नहीं करता है आईफोन। तो ये पहला मतलब फोन है अभी तक अपने इंडिया में जो आईफोन तो कोई चार्जर प्रोवाइड नहीं करना, वरना सब फोन में चार्जर आता है साथ में। गाइस देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है, ये रेड कलर मैंने मंगाया है। देखिए कितना यूनिक और कितना प्यारा लग रहा है, रेड कलर है। अब हम इसको ओपन करते हैं। देखिए कितना फास्ट ओपन हो चुका है ये, और इस पर सबसे पहले लोगो दिख रहा है आईफोन का। गाइस मैं इसका सेटअप करूंगी, अलग अलग लैंग्वेज में हमको हेलो है, होला है, बॉनजोर्स, अलग अलग लैंग्वेज में हेलो ही बोल रहा है ये हमको। और अब हम इसका सेटअप करते हैं। इसमें हमें लैंग्वेज चूज करनी है कि हमें कौन सा लैंग्वेज लेना है, मेरे को लेना है इंग्लिश। देन हम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। ये है इंडिया, तो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो सेटिंग में ले लिया इंडिया। बस गाइज और अपना सेटअप। बस गाइज मेरा आईफोन 12 सेटअप हो चुका है, जैसे दिखाया है वेलकम टू आईफोन। और अब हम लोग देखते हैं इसके फीचर के बारे में जानते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं, जनरल में गए और जनरल में जाकर अबाउट में जाके गाइस आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी है 128 GB और अवेलेबल है 113.34 GB। और आप सब देख ही सकते हैं इसमें इसका IMEI नंबर वगैरह मतलब सब है। और मेरे फोन का नाम है साक्षीज फोन। और अगर मेरी वीडियो आपको गाइस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 की वीडियो बनाने वाली हूँ, वो देखने के भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और एट लास्ट में वीडियो में अपने पेरेंट्स को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे और मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी। थैंक यू सो मच टू ऑल, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।